एक समय शाहपुर अपनी अचारी और मिट्ठू आमों की बागवानी के लिए जगत प्रसिद्ध था। शाहपुर के आमों की इस खासियत को लोगों ने अपने शब्दों में ढालकर इसे लोकगीतों की शक्ल दे दी। प्रदेश के लोक गायकों ने इन्हें अपने अंदाज में बयां करते हुए आम जनमानस में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन अब शाहपुर आमों की बागवानी के साथ सेबों की बागवानी में हाथ आजमाते हुए अपनी अलग पहचान बना रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग सेबों को किस तरह लोक गीतों में ढालते हैं। शाहपुर तहसील के गांव दुर्गेला के बागवान पूर्णचंद ने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 3 सालों के भीतर सेबों के साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर दिखाया कि अब वे आसपास के बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। अब क्षेत्र में जब भी सेब की उम्दा पैदावार का जिक्र किया होता है तो पूर्ण चंद नाम एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। पूर्ण चंद ने वर्ष 2018 में प्रदेश के बागवानी विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सेब का बगीचा लगाया था। उनकी कड़ी मेहनत से 2 वर्ष के भीतर पौधों में फल आने शुरू हो गए। उन्होंने गत वर्ष लगभग 6 क्विंटल सेब बेचा। उनके बगीचे की विशेषता यह है कि अपने बगीचे में किसी रासायनिक खाद या स्प्रे का उपयोग नहीं करते हैं। इसके स्थान पर वे विभिन्न तरह से बनाई जाने वाली जैविक खादें जो कि दालों, किचन वेस्ट, ऑयल सीड, गोमूत्र तथा गोबर द्वारा बनाई जाती हैं का ही प्रयोग करते हैं। वे यह सब खुद ही तैयार करते हैं। उन्होंने जमीन लीज पर लेकर सेब के लगभग 25,000 पौधों की नर्सरी भी तैयार कर ली है। उनके पौधे गुजरात महाराष्ट्र में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। पूर्णचंद युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान कर रहे हैं कि वे अपनी जमीन को बंजर न छोड़ें और पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी को अपनाकर सेब कीवी और अमरूद आदि के पौधे लगाकर बागवानी शुरू करें। उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आजीविका सुदृढ़ करते हैं। बगीचा है एप्पल का जो मैंने 2018 में प्रदेश सरकार का जो बागवानी विभाग है उसके सहयोग से ये लगभग 150 प्लांट एप्पल के लगाए थे मैंने, और पिछले वर्ष 2 साल बाद 6 क्विंटल सेब मैंने यहाँ से बेचा था। तो जो मैंने खर्चा किया था इन पौधों के ऊपर वो मेरा खर्चा निकल आया था, और सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता है। विभाग की तरफ से भी जो नेट जो ये मुझे मिली है इसके ऊपर मुझे सब्सिडी मिली है, और बगीचे में अलग पौधों को लगाने के लिए जो सरकार की तरफ से मिलता है सब्सिडी वो भी मुझे मैंने ली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये जो बगीचा है ये पूरी तरह जैविक है, पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं इसे अपनी जो खादें तैयार करते हैं वो मैं खुद ही तैयार करता हूँ, वेस्ट कंपोजर के ऊपर आधारित है। ये जो हमारा नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो भारत सरकार का उपक्रम है, वहाँ के जो हमारे निदेशक थे डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, उन्होंने ये एक बैक्टीरिया तैयार किया था वेस्ट कंपोजर के रूप में, जिससे हमें काफ़ी सारी खादें काफ़ी सारे डिसीजेज के लिए जो भी पेस्टिसाइड होता है वो हम खुद तैयार करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का कोई रसायन या कोई केमिकल या कोई कीटनाशक हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ये पूरी तरह हमारा जैविक सेब है, और मैं आने वाले यूथ को जो हमारे युवा वर्ग है जिनके पास जमीनें हैं मेरा उनसे अनुरोध रहे कि वो अपनी जमीनों को ऐसे बेकार ना छोड़ें। मैं भी यहाँ पहले गेहूं और मक्की बेचता था लेकिन उससे उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी, अपने घर का ही जो राशन है उतना ही निकल पाता था। लेकिन जब से मैंने ये बागवानी का काम शुरू किया है, खासकर ये जो सेब के पौधे लगाए हैं, इससे मेरी आर्थिकी काफ़ी सुदृढ़ हुई है। और मैं युवाओं से यही एक प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप भी आएं और ये बागवानी की तरफ मुड़ें, सेब के पौधे लगाएं, अमरूद के पौधे लगाएं, कीवी के पौधे लगाएं, इनमें एक अच्छी आमदनी का जरिया है। तो मैं समझता हूं कि अपनी जो जमीन ऐसे ही लोगों की पड़ी हुई है, कोई कहता है कि बंदरों की वजह से नुकसान होता है, बंदर हमारे यहाँ भी आते हैं लेकिन उससे बचाव किया जा सकता है। जिला कांगड़ा उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर कमल शील नेगी ने बताया कि जिला कांगड़ा में 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती है, जिसमें 47,000 मीट्रिक टन फलों की पैदावार होती है। जिला में 530 हेक्टेयर भूमि पर सेब के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 330 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हो रहा है। सेब के बगीचे अभी कुछ वर्ष पहले ही लगाए गए हैं, अभी इनकी पैदावार कम है। उपनिदेशक ने बताया कि अधिकतर सेब के बगीचे बैजनाथ विकास खंड में लगाए गए हैं। जिला में लॉ चिलिंग वैरायटी
अन्ना और डोरसेट के पौधे भी लगाए गए हैं। इस किस्म के सेब से 10 जून तक तैयार हो जाते हैं। इन दिनों प्रदेश किसी भी हिस्से में सेब तैयार न होने के कारण बागवानों को बाजार में अच्छे दाम मिल जाते हैं। जिला कांगड़ा में अभी बागवानी के अंतर्गत लगभग 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिससे लगभग 47,000 मीट्रिक टन जो है उत्पादन होता है। अगर मैं सेब की इस क्षेत्र में, इस जिले में बात करूं, तो लगभग 530 हेक्टेयर क्षेत्र जो है हमारा सेब के अंतर्गत आता है। इसमें मैक्सिमम एरिया जो है वो बैजनाथ विकासखंड में है। तो सेब की उत्पादकता इस समय जिला कांगड़ा में लगभग 330 मीट्रिक टन है। उत्पादकता कम इसलिए है क्योंकि अभी नए नए बगीचे लग रहे हैं जो अभी प्रोडक्शन में नहीं आए हैं, लेकिन बागवानी विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लिए अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन नाम की दो वैरायटीज फ्रांस से इंपोर्ट करी है, जो कि फार्मर के भी बीच बहुत ही प्रचलित हुई है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अब मैं खासकर जैसे पूरन चंद जी हैं, दुर्गेला में हमारे फार्मर हैं जो कि एप्पल कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं, इनका अपना एप्पल का बगीचा भी है और एप्पल की नर्सरी भी है इनकी, हमने वहां जाके इनको ट्रेनिंग भी दी थी। पीछे हमारे SMS गुप्ता जी हैं, धर्मशाला ब्लॉक के, रैत ब्लॉक के, मैं और गुप्ता जी गए थे ट्रेनिंग प्रूनिंग पे, इनको हमने ट्रेनिंग दी थी कि बगीचों की काट छांट कैसे की जाती है, कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है एप्पल के प्लांट से लेनी है। तो ये अब साथ में नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं इन्हीं वैरायटीज की, जो खासकर की नीचे की क्षेत्र के लिए लो चिलिंग वैरायटीज है। मैं समझता हूँ आज की डेट में जितने भी ये लो चिलिंग हमारी वैरायटीज है एप्पल की, फार्मर इससे काफी पैसा कमा रहा है, क्योंकि ये जो वैरायटीज है ये हमारे 10 जून के बाद जो है तैयार हो जाती है, जबकि पूरे प्रदेश में जो सेब है लगभग 15 जुलाई के बाद जो है मार्केट में आता है, लेकिन ये जो वैरायटीज है 10 जून के बाद आती है। इस समय मार्केट में कोई भी एप्पल आपको उपलब्ध नहीं होता, तो इसलिए इसके लिए उचित दाम फार्मर को मिलते हैं और काफी सारा ये पैसा कमाते हैं।